आ गए हैं कोणार्क मंदिर। बहुत क्राउड है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में पूरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर का नाम दो शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देव का कोना। इससे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने कराया था। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है और इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की तीन मूर्तियां स्थापित की गई है, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। मंदिर में सूर्य के उगने, ढलने व सायंकाल होने के सभी भावों को समाहित करके सभी चरणों को दर्शाया गया है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक बहुत बड़े और भव्य रथ के समान दिखता है, जिसमें 12 जोड़ी पहिया हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्य देव बैठे हैं। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति को ऐसे रखा गया था कि उगते हुए सूर्य की पहली किरण उस पर आकर गिरती थी, जिसकी रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठता था। इस साइड है पूरा डांसिंग फॉर्म, ये सारा डांसिंग फॉर्म है, जैसे कि ये सब देख रहे हैं। देखो ये सब डांसिंग बनाया हुआ है, डांसिंग फॉर्म है ये सब, डांसिंग वाला सब सारा। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके तीन महत्वपूर्ण हिस्से देउर गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहां से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर है। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है, जो कि मनभावन है। ऐसा लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर के प्रांगण को लाल सोने से मढ़ा हो। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास में ही एक नट मंदिर है। ये वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को खुश करने के लिए नृत्य किया करती थीं। इतना अच्छा नक्काशी किया हुआ है टाइमिंग का, देखिए पहिया टाइमिंग चक्र है, इसमें डॉट बहुत जो बना हुआ है, डॉट वो सब टाइम है, सारा टाइमिंग इंडिकेट करता है, जितना भी डॉट है वो सब सारा। यही चक्र बना हुआ है, देखिए हमारे 10 रुपये के नोट में। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हरेक दिन के 8 पहरों को प्रदर्शित करता है। वहीं अब 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाता है। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था, इसलिए उस समय के नाविकों ने और अपने साथ ले गए।
गाइस देख सकते हैं ये है कोणार्क टेंपल का बैक यार्ड, देख सकते हैं बैक वाला एरिया है। इधर है मौसी का, चोरी हो गया था। क्या चोरी हो गया? चुंबक से ना, वो नहीं जहाज चलता था। हाँ। जो आया था चुंबक को खींचता था अपनी ओर, इसीलिए आके ना वो आगे चोरी करके ले गया। अच्छा ऊपर में था क्या? तो वो जहाज के हाथ खींच लेता था, चुंबक खींचता था जहाज, उतना दूर से उसको खींच लेता था। देख रहे हो ना गाइस, अब इधर हिस्ट्री अच्छे से नहीं आता है गाइस, हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग साइंस स्टूडेंट हैं, हम तो को पता होगा। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर इसलिए चुंबक रखा गया था जिससे दीवारों का बैलेंस बना रहे, लेकिन अगर मंदिर को देखें तो मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया था जैसे कोई सैंडविच हो और जिसके बीच में लोहे की प्लेट थी जिस पर मंदिर के पिलर अटके हुए थे, जिसके कारण ही लोग इन कथाओं पर भरोसा करते हैं। आपको दिखाने आगे ले जाते हो रहा है आपका आयरन बीम का पॉइंट है, यही वाला है ना, ये वाला आयरन बीम है, ये देख सकते हैं रेड रेड टाइप से रेडिश कलर में है। तो चलिए अच्छा यहाँ से ना इसको हो गया ना, देख सकते ये वाला, देख सकते आवाज करेगा, अब बाप रे तो बहुत ज्यादा मशीन उसीन था होगा। हाँ देख सकते इसके अंदर, देखिए इसका लेयर देख रहे हो, देखिए लेयर बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लेयर पे लेयर है ना, देख रहे हो सब तरफ ऐसी है। उधर अपना पूरा देख सकते हैं, अपना पूरा दिखेगा और भीड़ तो बहुत ज्यादा है इधर, देख ये देखिए उसका है, वो है अपना हिल वाला टच बना हुआ है। चलिए अब सब आगे थक गया है तो आपको आगे उनका दिखाते हैं। हाँ बम्बई ले रही।